कमलनाथ और नकुलनाथ विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में बड़ा धार्मिक आयोजन का मंच तैयार करवा चुके हैं। छिंदवाड़ा की सिमरिया हनुमान मंदिर में सांसद नकुलनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करा रहे हैं। जिम्मेदारियों की कमान सांसद नकुलनाथ खुद संभाल रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रामकथा 5 से 7 अगस्त तक चलेगी। 3 दिन चलने वाली इस कथा के लिए खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से यहाँ पर आने की अपील की है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के लिए वीडियो भी जारी किया है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस अपने इस धार्मिक आयोजन के सहारे राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 2023 के साथ 24 के चुनाव को बीजेपी की नजर से बचाने के लिए कमलनाथ ने बागेश्वर धाम की कथा करवाई है। इसके लिए छिंदवाड़ा में पहले शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद सिमरिया हनुमान मंदिर में बागेश्वर धाम का दरबार सजा। कांग्रेस का कहना है उसकी धर्म के प्रति आस्था पुरानी है। सिमरिया में हनुमान मंदिर बना है और अब बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा लोगों को धर्म लाभ पहुँचाने के लिए है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के धार्मिक आयोजन की आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है यदि ये गैर राजनीतिक आयोजन है तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पीले चावल क्यों दे रहे हैं। आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया गया। दरअसल मार्च में अमित शाह ने छिंदवाड़ा में जनसभा के जरिए कमलनाथ पर जमकर हमला बोला था। लंबे समय बाद बीजेपी का कोई दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में कमलनाथ पर हमलावर हुआ था। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कमलनाथ पर एक के बाद एक हमले बोलते हुए 15 महीने की सरकार का हिसाब किताब मांगा था। यही वजह है 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नजर है, लेकिन कमलनाथ के सामने चुनौती है कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों के साथ 2024 की अपनी परंपरागत सीट को बचा कर रखे। खड़ा